हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इन बीन पर। हॉल एलरोड, जो कि 1999 में एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे, वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे थे और उस समय वो अपने कंपनी में टॉप सेल्स एग्जीक्यूटिव का अवार्ड भी जीत चुके थे। उसी रात जब वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे और उस रात को जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर पर रिटर्न लौट रहे थे, तभी हाईवे पर उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और इस एक्सीडेंट में उनके शरीर की काफ़ी हड्डियां टूट गईं। उस समय उनकी सांसें बिल्कुल रुक चुकी थी, 6 मिनट के लिए वो टेक्निकली मर चुके थे। जब वहां पर पैरामेडिकल टीम पहुंची तो 6 मिनट के बाद उनकी सांसें वापस आईं, लेकिन इसके बाद वो कोमा में चले गए। हॉल एलरोड 6 दिनों तक कोमा में रहे। जब वो उठे तो उन्हें ये न्यूज़ मिली कि वो अब कभी नहीं चल पाएंगे। इस पूरे एक्सीडेंट में उनकी टोटल 11 हड्डियां टूटी थी, उनका ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो चुका था, उन्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो चुका था और साथ ही में उनकी गर्लफ्रेंड भी उनको छोड़कर चली गई थी। डॉक्टर्स ने क्लियर कह दिया था कि अब वो कभी नहीं चल पाएंगे, लेकिन वो इन सबको कहां मानने वाले थे। उन्होंने डॉक्टर से कहा कि मैं चलूंगा और इसी विश्वास से वो न केवल चले बल्कि उन्होंने एक अल्ट्रा मैराथन दौड़ में भी भाग लिया। इसी आत्मविश्वास को रखते हुए सन 2000 के मिड में उन्होंने कंपनी को दोबारा एज अ सेल्स पोजीशन से ज्वाइन किया और उन्होंने उसमें इतना अच्छा किया, वो कंपनी में टोटल 60,000 सेल्स एग्जीक्यूटिव में कंपनी के टॉप 6 सेल्स एग्जीक्यूटिव में रहे। इसी के साथ वो अपने काम में और अच्छा करते चले गए। 2001 में उन्होंने स्कूल और कॉलेजेस में लेक्चर देना शुरू कर दिया। हालांकि अभी वो कोई एक राइटर नहीं थे, लेकिन उन्हें अपनी स्टोरी लोगों तक पहुंचानी थी, इसलिए उन्होंने राइटिंग पर भी काम करना शुरू कर दिया था। 2004 में जब वो उसी कंपनी में सेल्स मैनेजर बने तो उन्होंने अपनी करियर का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और जब वो एक कॉन्फ्रेंस में बैठे थे तो उन्हें ये रियलाइज हुआ कि उन्होंने अभी तक अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली काम नहीं किया है। उन्होंने कई अवार्ड जीते हैं, लेकिन पर्सनल लेवल पर अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं। इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने खुद को कंपनी के काम के साथ साथ एक बुक पर भी लिखने का काम स्टार्ट किया। उनकी ये बुक बहुत हिट हुई और अमेजन पे बेस्ट सेलर भी बनी। उनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, तभी आया साल 2008 और फिर से सब कुछ बर्बाद हो गया। उनके क्लाइंट्स उनसे टूट गए और वो हैवी कर्जे में आ गए। उस समय वो टोटल $4,25,000 के कर्जे में डूब गए। इन सभी से वो परेशान रहने लगे और एक दिन उन्होंने हिम्मत जुटाकर अपनी इस प्रॉब्लम को अपने दोस्त के सामने कन्फेस किया। उनके दोस्त ने उन्हें बताया कि उन्हें सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करने चाहिए। उन्होंने ठीक वैसा ही किया और सुबह एक्सरसाइज करने से उन्हें जो इंस्पिरेशन मिली, ये पूरी बुक उसी पर बेस्ड है। इसके बाद उन्होंने 2009 में शादी किया, उनके बच्चे हुए और आज एक सफल बिजनेस और बहुत अच्छी लाइफ वो जी रहे हैं। ऑथर यहाँ पर कहते हैं कि हमें अपने पास्ट और डिफ़िकल्टीज पर फोकस ना करके ये करना चाहिए कि आप और क्या क्या कर सकते हैं, जैसा कि ऑथर ने किया था। उन्होंने ये माना था कि आपकी लाइफ के लिए आप ही जिम्मेदार हैं, ना कि कोई और, इसलिए हमें दूसरों को ब्लेम करना छोड़ देना चाहिए। हम सभी लोग हमारी लाइफ के सारे एरियाज में अच्छा करना चाहते हैं, जैसे कि हैप्पीनेस, हेल्थ, हमारा मनी, फ्रीडम और सक्सेस। हम चाहते हैं कि इन सभी चीज़ों में हमें लेवल 10 का स्कोर मिले, लेकिन काफ़ी चीज़ें हमसे पीछे छूट जाती हैं क्योंकि हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे अगर मनी को चेस करते हैं तो हेल्थ पे ध्यान देना भूल जाते हैं। यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि ये हम हर फील्ड में लेवल 10 पा सकते हैं और ये स्टार्ट होता है कि हम मॉर्निंग में कैसे उठते हैं, हम कैसे छोटे छोटे स्टेप्स को करके अपनी लाइफ में बड़े बड़े अचीवमेंट्स पा सकते हैं। हम सुबह कैसे उठते हैं, हमारा मॉर्निंग रूटीन कैसा होता है, ये सारी चीज़ें हमारे हर लेवल पर सक्सेस को डिसाइड करती हैं। हम में से मैक्सिमम लोग नए ईयर पे रिजोल्यूशन लेते हैं कि हम अपनी फिटनेस, रिलेशनशिप, वेल्थ को लेकर काम करेंगे, लेकिन 5% लोग ही उन्हीं को चेस कर पाते हैं, बाकी 95% लोग फेल हो जाते हैं। और यहाँ पर वो 95% लोग एवरेज लोग होते हैं, जो कि एक भीड़ है, और ये वही 5% लोग हैं जो कि लीडर्स हैं और जो कि इस दुनिया को चला रहे हैं। इन्हीं 5% लोगों में आने के लिए ऑथर हमें 6 मॉर्निंग हैबिट्स के बारे में बताते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग सुबह सबसे ज़्यादा काम करता है और अगर आप अपने सुबह कुछ अच्छा कर लिया तो पूरे दिन भर वो आपके साथ रहता है। तो आइए देखते हैं 6 मॉर्निंग हैबिट्स। यहाँ पर ऑथर हमें 6 हैबिट्स को बताते हैं सेवर्स के फॉर्म में, जहाँ पर एस का मीनिंग है साइलेंस। सुबह उठकर फ्रेश होने के बाद आप सबसे पहले खुद को एक शांत जगह पर ले जाकर बैठ जाएं। वहां पर आप मेडिटेशन, प्रेयर या डीप ब्रीथिंग भी कर सकते हैं।
यहाँ पर सिंपली आपको अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान लगाकर बैठना है। आपको बस अपने माइंड को शांत रखना है और किसी भी एक चीज पर फोकस करना है। आप स्टार्टिंग में ये 5 मिनट से कर सकते हैं, जिसका कि आप बाद में टाइम बढ़ाकर 10 मिनट तक इसे करें। अफर्मेशन, यहाँ पर अफर्मेशन का मीनिंग है कि आप खुद से जो चाहते हैं उसके लिए खुद से जरूर बात करें, जैसे कि करते थे मोहम्मद अली। वो खुद से कहते थे कि आई एम द ग्रेटेस्ट, और वो बाद में इस दुनिया के ग्रेटेस्ट बॉक्सर भी बने। आप जो भी काम करना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में अच्छा करना चाहते हैं, उसे खुद से कहें कि आप ऐसा करेंगे, आप ऐसा कर सकते हैं, और एक दिन ये आपको जरूर मिलेगा। हमारे कंटिन्यूस टॉक हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक जाती है, जो कि हमारे काम को रियलिटी में कन्वर्ट कराने के तरीके हमें बताता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, इसके लिए देखना ना भूलिए द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। विजुअलाइजेशन, इसका मीनिंग है कि आप जो भी बनना चाहते हैं या आप जो भी गेन करना चाहते हैं, तो उसको मन में इमेजिनेशन जरूर करें। ये सोचें कि आपको ये मिल गया है तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे या फील करेंगे, जैसा कि ऑथर ने खुद ने किया था। वो खुद को एक सक्सेसफुल वर्ल्ड स्पीकर की तरह इमेजिन करते थे, जिसमें कि वो अपने सारे सेंसेस जैसे फील, टच, हियर सबको डाल देते थे। आप इसे स्टार्ट करें 5 मिनट से। एक्सरसाइज, डेली मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने के बहुत फायदे हैं, जो कि हम शायद इग्नोर कर देते हैं। हमारे मेंटल क्लैरिटी से लेकर के मॉर्निंग से इवनिंग तक एनर्जाइज करता है हमें ये एक्सरसाइज। हमारे पास एक्सरसाइज ना करने के हजारों बहाने होंगे, लेकिन मॉर्निंग से में एक्सरसाइज के बेनिफिट भी हमको पता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप डेली 10 से 20 मिनट एक्सरसाइज जरूर करें। रीडिंग, दोस्तों जब हम लोग बच्चे थे तब से हम लोग नई नई चीज़ें सीखते आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग जॉब में आ जाते हैं तब से हम लिखना और पढ़ना छोड़ देते हैं। यहाँ पर ज़रूरी है कि आप जिस भी फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, उस फील्ड में फेमस लोगों की किताबें ज़रूर पढ़ें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि उस काम को कर चुके होते हैं जो कि आप करना चाहते हैं, तो केवल उसी को पढ़कर आप सक्सेस पा सकते हैं। ऑथर हमें कहते हैं कि हमें डेली एटलीस्ट 10 पेज डेली मॉर्निंग में पढ़ने चाहिए। इसका लास्ट हैबिट है स्क्राइबिंग। यहाँ पर ऑथर का मीनिंग है राइटिंग से। आप जो भी सोचते हैं या आपके अंदर जो भी नए आइडियाज आते हैं, आप उन्हें जरूर लिखें। आप जब भी कुछ लिखते हैं तो उसका आप पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और वो आप कभी नहीं भूलते हैं। हमारी लिखने की आदत हमें एक डिसिप्लिन पर्सन बनाती है, और ये हमें फोकस करवाती है कि हम लोग क्या चाहते हैं। आप लिखने के लिए एक छोटी पॉकेट डायरी भी रख सकते हैं, और जैसे ही आप अपनी मॉर्निंग में नए आइडियाज आते हैं, आप उन्हें वहाँ पर लिख सकते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे मॉर्निंग में 1 घंटा मेहनत करके आप अपने पूरे दिन या ज़िंदगी को बदल सकते हैं। यहाँ पर ऑथर हमें बताते हैं कि अगर स्टार्टिंग में आपको 1 घंटे करने में टफ लगता है, तो आप इसे डेली 6 मिनट रूल से फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर कि आप हर हैबिट को 1-1 मिनट परफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों, जिन मॉर्निंग हैबिट्स ने ऑथर की लाइफ को चेंज कर दिया, उम्मीद करते हैं कि आप भी इन हैबिट्स को फॉलो करेंगे। हमारी वीडियोज़ देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप इनमें से कौन सा हैबिट कब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं।